दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है मेरे साथ। फिलहाल गुराना गांव की तस्वीरें देख पा रहे हैं। नारनूंद हल्के की जब बात आती है तो दिन भर दिन चुनावी माहौल तेज होता हुआ नजर आ रहा है और उमेद सिंह लवान जो लगातार अपना काफिला बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं, आज गांव गुराना के अंदर पहुंचे हैं और गुराना के अंदर लगभग आज 60 से 70 चाय के प्रोग्राम इनके बताए जा रहे हैं। फिलहाल पुराना केंद्र आ चुके हैं, बहुत बड़ा काफिला इनके साथ में नजर है आ रहा है। आपको पूरा काफिला भी आपको दिखाएंगे हम। खासकर अगर बात करी जावे उमेद सिंह लोहान की, गांव डट्टा मसूदपुर गुराना जो बड़े बड़े गांव हैं उनके ऊपर बड़ा दाव जो है और बड़ा जोर जो है लगा रखा है उमेद सिंह लोहान ने। फिलहाल एक बार काफिला देख लो आप, चाय के कार्यक्रम लगभग 60 से 70 चाय के कार्यक्रम है और कार्यकर्ताओं की बात करें तो कार्यकर्ताओं की संख्या आप देख सकते हैं, BSP और INLD दोनों के वर्कर जो उमेद सिंह लोहान के साथ में बहुत ज़्यादा संख्या में हैं। बहुत लेट नाइट तक आज जो है प्रोग्राम चलेंगे, जो फिलहाल दुधिया प्रकाश के अंदर आप देख सकते हैं कार्यक्रम हो चुके हैं, होने शुरू हो चुके हैं। जो फिलहाल की अगर बात की जाए तो लगभग टाइम 8 के करीब पहुँच चुका है और अभी तक कार्यक्रम चले हुए हैं अलग अलग। 60 से 70 चाय के कार्यक्रम आज गुराना गांव के अंदर उमेद सिंह लोहान कर रहे, तो आपको क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताएं। INLD पार्टी की अगर बात करी जाए, नारनूंद हल्के के अंदर सबसे ज़्यादा चर्चा में अभी तक जो ये सीट INLO की तरफ से रही है, क्योंकि अगर पहले की बात करें तो इलाहाबाद हल्के से जो है हमेशा एक सुरक्षित सीट मानी जाती है INLD की, जहाँ से अभय सिंह चौटाला ने चुनाव लड़ा। और अब की अगर बात करें तो फिलहाल चर्चाओं में उमेद सिंह लोहान है। पहले की बात करें उमेद सिंह लोहान ने एक चुनाव बरवाड़ा से लड़ा, एक चुनाव हांसी से लड़ा। हालांकि तैयारी दोनों बार नारनूंद से की थी लेकिन पार्टी हाईकमान ने उनको टिकट नहीं दिया और अचानक उनको वहां से चुनाव लड़ा। फाइट में चुनाव आ रहे दोनों, लेकिन ज़बरदस्त फाइट देखने को मिली। लेट हो चुके हैं काफ़ी, प्रोग्राम देख रहे हैं आप, बिल्कुल अंधेरा हो चुका है। और अभी काफिले की बात की जाए तो काफिला बहुत बड़ा काफिला जो है फिलहाल देख पा रहे हैं तस्वीरों में मेरे साथ। फिलहाल की अगर मैं बात करूं तो आप काफिला देख करके संख्या भी कमेंट में बताएं भाई, कितनी संख्या में जो है काफिले में समर्थक उमेद सिंह लोहान के हैं। और पार्टियों की बात करें तो भाई और पार्टियों ने भी जोर लगा रखा है और दिन रात जो है मेहनत कर रहे हैं, रोज़ाना अपने काफिले निकाल रहे हैं, गाँव टू गाँव जा कर के डोर टू डोर करने का काम कर रहे हैं, चाय कार्यक्रम कर रहे हैं। जैसे ही ऐलान किया गया चुनाव का, उस दिन के बाद जो है नारनूंद हल्के में बहुत ज़्यादा चुनाव को लेकर के उत्साह देखने को मिला लोगों में। और पार्टियों की अगर बात करें तो सभी पार्टियां जो है फील्ड में उतर चुकी है, चाहे कैप्टन अभिमन्यू की बात हो, चाहे जस्सी पेटवाड़ की बात हो, चाहे उमेद सिंह लोहान की बात हो, चाहे डॉक्टर अजय की बात हो या फिर दिनेश चौराण की बात हो, बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं जो लगातार चुनाव में फील्ड में आपको नजर आएंगे। लेकिन कांग्रेस की तरफ से तो एक ही प्रत्याशी आना है और BJP का लगभग घोषित हो चुका है कैप्टन अभिमन्यु और INLD से उमेद सिंह लोहान। तो आपको क्या लगता है कौन सीट निकाल सकता है नारनूंद की, कमेंट करें, वीडियो में लगातार बने रहें और शेयर करने का काम करें। काफ़ी कार्यक्रम जो है लगातार हम आपको दिखाने का काम करेंगे, कुछ कार्यक्रम हमने कवर करने का काम किया जो आज 60 से 70 चाय के कार्यक्रम गुराना के अंदर है। भाई क्या कुछ लगा कितनी उम्मीद है? पूरी उम्मीद है भाई जीतेगा। लगातार दो चुनाव का हार का सामना करना पड़ा है, के कुछ लगा है टक्कर में कैंडिडेट बहुत है पड़ी है। कोई बात को नहीं भाई, क्लियर है, इतने तो पर्सनल वोट से खुद उम्मीद लवान के। हाँ दिन दिन के प्रोग्राम में बात कराएं तो रात में प्रोग्राम लगे करना। हाँ रास्ते तो लगी दिन रात दोनों टाइम होंगे भाई प्रोग्राम। कितनी तैयारी चल रही है? खूब चल रही है भाई, तू देख रहा है भीड़ ढाई भी। कौन सी पार्टी गले लग दी होगी टक्कर? टक्कर में तो है ही नहीं कोई, टक्कर में कोई भी। दूसरा नंबर वाला तो फिर कौन आऊंगा? दूसरा नंबर वाला तो भाई
कांग्रेस बीजेपी में तो कौन सा है अभी कांग्रेस में 23 कैंडिडेट उठ रहे हैं, कौन सा टिकट मिला जो उम्मीदवार की फाइट ईशा तो कोई मैं पक्का को नहीं फाइट में आवे कोई फाइट की जगह कौन सारे तला अपना इसे के कारण है पहले लोग इतने नाराज हो रहे हो बस काम तो दुष्यंत की वजह से थोड़ा सिस्टम खराब हो गया यानी एक तरफ दुष्यंत की बात करी जी जेपी दादा गौतम जीते था उसने कितने काम करवाए जेजेपी ने कुछ नहीं कराया कुछ नहीं कराया माया को नहीं है लाठी और मरवाई है किसान ना गए उम्मीदवार बना दी तो फिर भी नहीं आता ना ना भाई ये तो काम के बीच में हल्का बीच में रहा है अपना बहनी मीरपुर भाई गांव में कितना विकास हो रहा है आपका जो 10 साल की बात गांव में सरकार आओगी जो विकास होंगे जी सरकार कौन दे अपनी कद आई है बताओ उम्मीदवार कद बनिया बीजेपी जेजेपी की बात बीजेपी ने कुछ नहीं करवा दी कुछ भी नहीं है समस्या ऐसी जो गांव में नहीं बनी मुआवजे की बात करा या स्कूल में पानी पूरी चट रहे तो आंदे को नहीं कदे नहीं आए है आते ही नहीं आए ओए कौन साहब होंदा बेटा जल चढ़ रहा है बैंक में सरकारी स्कूल में भी नुका पानी चढ़ स्कूल तो ठीक चला ले वो बात को नहीं हां ये तो आपने हमारे पैसा का करवाया है अच्छा ये मीरपुर का तो हां गांव में बात करूं इकड़ी के कुछ लगा कितनी छवि है ऐसी बहुत बढ़िया छवि उम्मीद की बहुत बढ़िया ही हमने अपने पैसे तो सरकारी स्कूल में भर्ती करवाई है सरपंच ने करवाई है एमएलए ने कुछ नहीं करवाया एमएलए ने मारा कुछ नहीं करे मारे हम खुद पैसे से कर रहे हैं उम्मीद लग गई कड़ी उम्मीद तो पूरी उम्मीद है क्योंकि किसान केसर चौधरी अभय सिंह चौटाला का जो सेवक है नहीं भाई उम्मीद बहुत बढ़िया है मिलजुल का काम करे जनता बीच में रहा है सबके दुख सुख में सारे का आवाज आवा सबकी बात सुन रहा है लगातार दो चुनाव की बात करा हर का सामना करना पड़ेगा इन लो पार्टी ने इकड़ी के लग गए जो गठबंधन है इकड़ी जिता लीजिएगा भाई गठबंधन पक्का जिताओ अब की बार क्यों नहीं जिताएगा किसानों के लिए इस्तीफा दिया भाई साहब अभय सिंह चौटाला ने तो इनके बारे में सोचना चाहिए अपना हल्का नारायण ने भाई इनके खातर साथ लगना चाहिए अपना अभय चौटाला साथ देना चाहिए जो जैसे अपने कौम के साथ खड़ा था 36 कौम के साथ वैसे अभय चौटाला के साथ मिलकर चलना चाहिए पूरे नारायण का और उम्मीद मलवान भाई साहब का साथ देना चाहिए उम्मीद लोहान टिकट की बात करूँ लगातार जद मेहनत करी है उम्मीद लोहान ने कदे हाँ टिकट मिल गई कदे भरवाड़ा कदे इकड़ी ना या कौन बड़ा भाई साहब इकड़ा जीत कलियर है भाई साहब की छोटे से समर्थक रहे नालो के और भाई दिन पहले फेंक गया थोड़ा तो भाई मैं बात करने ला रहा हूँ मेहनत के बाद थोड़ा मेहनत तो बतेरी करी थी जब भी जितने लक्ष्य लड़े सारे फाइट के लड़े भाई नारनुंद में आ गया है हां नारनुंद में क्लियर जीत गया भाई गड में आ गया हां बड़ी फाइट किसी अगला को नहीं ना किसी अगला को नहीं फाइट भाई चलो सारे तो टिक दे अंडे टिकटा खातिर नहीं टिकटे नहीं फाइनल हो रही थी आप एक क्लियर हैं देखिए कैंडिडेट दिल्ली बैठे हैं ये टिकट लेके आड़े आंदे चुनाव लड़ेंगे मजबूती प्रचार लाग रहे हैं भाई करण आप प्रचार लाग रहे हैं मैं दिल्ली बैठे टिकट खातिर आप प्रचार लाग राम राम ताऊ राम राम ये किसी दिन ठहरा है झंडे तो भाई अपने पार्टी खातर ठहरे हैं अच्छा कौन सी पार्टी खातर ठहरा है बीएसपी और इनल गठबंधन कड़ी के लागा जीत जी नारनंद में जीत पक्की है जीत पक्की है पक्की किसी अगले टक्कर टक्कर मानना है को एक तरफ जीत है एक के तरफ जीत अपनी अच्छा फिर भी कितनी उम्मीद लगा उम्मीद तक काम करवाने की फिर उम्मीद तक काम कराने के 100% चांस है राम राम भाई राम राम भाई ये कुछ लगा ही पड़ेगी बहुत बढ़िया लगा भाई लगातार 2 साल की हार के बाद ये पहला लगा है हां बिल्कुल लगा भाई साहब लहर बन रही है एक तरफ अच्छा फिर भी टक्कर में किसी तो मानता हुआ उसी पार्टी ने मैं 25 साल से बहुजन समाज पार्टी का सेक्टर अध्यक्ष हूं अच्छा हां जी ये कुछ लगा कई गठबंधन बने पाछा जीत जी हां जीत जी बिल्कुल जीत जी अच्छा काम बात कराए कौन सी पार्टी का कोई फाइट लगा फिर कांग्रेस पार्टी का फाइट होगी जी कांग्रेस का है कांग्रेस में कैंडिडेट भी गणे 23 कैंडिडेट है उनमें से कौन सा कैंडिडेट ने टिकट मिला जब फाइट लग गया आपने देखो देख जो जुड़ रहे हैं लोग को कांग्रेस के साथ जुड़ रहे हैं को बीजेपी के साथ जुड़ रहे हैं अभी 23 कैंडिडेट है उनमें से कौन सा ने टिकट मिला जिसके गला इन लोगों की फाइट हो तो फैसला हाईकमान का फैसला हुआ अच्छा किसी ने मिल जो टिकट है हां जी फिर तो सीपेट वार्ड का कितना फर्क पड़ेगा फिर भी सीपेट वार्ड को तो टिकट कौन मिलती है राम राम ताऊ है हां राम राम भाई साहब कड़ी के कुछ लग गई भाई उम्मीद झिंगवान बहुत बढ़िया मोर लग गया भाई साहब उम्मीद लोहान का काफी बहुत बढ़िया रिस्पांस मिल रहा भाई साहब ने मैं पूरा हल्का में कई दिन से लगातार प्रोग्राम में हूं तो भाई साहब को इतना बढ़िया प्रोग्राम मिल रहा है इतना बढ़िया जगह जगह लाडू से पहुंचा रहे भाई साहब को बहुत अच्छी कई हजार है मतलब वोटों से जीतेंगे भाई साहब चलो आप फिलहाल ये तस्वीर पुराना तो लाइव देखने लग रहा है तस्वीरों को साथ के साथ शेयर करें
Thank you.